ग्रेट गुड मॉर्निंग ऑफिसर्स, मैं सुमित कुमार सिंह, आप तमाम यूपीएससी एस्पिरेंट्स या अन्य कोई कम्पिटेटिव एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे विद्यार्थियों का इस मगध पुत्र यूट्यूब चैनल में अभिनंदन करता हूं। माय डियर फ्रेंड्स, आज यूपीएससी सिविल सर्विसेज 2019 का जो कह सकते हैं हम लोग क्वेश्चन पेपर देखेंगे। यह है प्रारंभिक परीक्षा का अर्थात प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन का। जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि 27 जून का जो तिथि है, जो कमीशन के द्वारा वो 2021 के लिए प्रारंभिक परीक्षा का तिथि कैसे घोषित किया गया है, अर्थात कहने का मतलब यह हुआ कि 27 जून को हमारा जो प्रीलिम्स एग्जामिनेशन का पेपर जो है वो कमीशन के द्वारा कंडक्ट किया जाएगा। उसी के मद्देनजर हम लोग आज कह सकते हैं 10 क्वेश्चन देखेंगे और प्रीवियस ईयर का 10-10 क्वेश्चन करके आज 2019 का देखें, 2018 देखेंगे, 2018, 2017, 2014, 2015, इस तरह 16, 17, 18, 19, 20 तक कह सकते हैं हम लोग चलेंगे। प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर देखने से हम लोग यह जान पाएंगे कि यूपीएससी का क्वेश्चन पूछने का पैटर्न क्या है और उसी तरह हम लोग सॉल्व भी करते चलेंगे। अब क्वेश्चन किन किन एरिया से अधिक पूछे जा रहे हैं, करेंट अफेयर बेस्ड ज्यादा क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं या स्टैटिक क्वेश्चन ज्यादा पूछे जा रहे हैं, उसी को कह सकते हैं कि हम लोग इस वीडियो में भी जानने का प्रयास करेंगे। और जब हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो उससे यह भी पता चलेगा कि जो है क्वेश्चन कितना हार्ड है, कितना ईजी है। हमें इस चीजों को जानने के बाद ही अपनी प्रिपरेशन को कह सकते हैं कि गति देंगे और अच्छे से करेंगे ताकि हम सफलता अर्जित कर सके प्रारंभिक परीक्षा में। दो पेपर होता है, पेपर वन और पेपर टू। तो ये पेपर वन का है जिसमें कि रियल कट ऑफ होता है। पेपर टू जो सी सेट का पेपर है वो कह सकते हैं क्वालिफाइंग इन नेचर है, उसे भी हम लोग बाद में सॉल्व करेंगे। तो 10 क्वेश्चन हम लोग डेली सॉल्व करेंगे हिंदी और अंग्रेजी दोनों में। तो ये देखिए परीक्षण पुस्तिका अनुक्रम ए है, ये सीरीज ए है प्रश्न। परीक्षण पुस्तिका सामान्य अध्ययन जीएस पेपर प्रश्न पत्र वन, जीएस पेपर वन। सबको मालूम है कि समय जो है 2 घंटे का मिलता है, 2 आवर्स, एंड मैक्सिमम मार्क्स इज 200 मार्क्स। ठीक है जी, ये कुछ अनुदेश दिए गए हैं, निर्देश दिए गए हैं, कुछ डायरेक्टिव, कुछ गाइडलाइंस दिए गए हैं, उसे पहले हम लोग पढ़ेंगे। पहला है परीक्षा प्रारंभ होने के तुरंत बाद आप इस परीक्षण पुस्तिका की पड़ताल अवश्य कर लें कि इसमें कोई बिना छपा हुआ, फटा हुआ या छूटा हुआ पृष्ठ अथवा प्रश्नांश आदि ना हो। यदि ऐसा है तो इसे सही परीक्षण पुस्तिका से बदल लें। ठीक है जी, दूसरा देखिए क्या डायरेक्टिव में इंस्ट्रक्शन दिया है। कृपया ध्यान रखें कि ओएमआर उत्तर पत्रक में उचित स्थान पर रोल नंबर और परीक्षण पुस्तिका अनुक्रम ए बी सी या डी को ध्यान से एवं बिना किसी चूक या विसंगति के भरने और कूटबद्ध करने की जिम्मेदारी उम्मीदवार की हो कि है। किसी भी प्रकार की चूक विसंगति की स्थिति में उत्तर पत्रक निरस्त कर दिया जाए। मैं इसे इसलिए पढ़ के बता रहा हूँ कि जब आप कह सकते हैं कि फर्स्ट बार जब आप अपीयर होंगे एग्जामिनेशन हॉल में तो आपको कुछ अटपटा सा ना लगे, आपको इंस्ट्रक्शन वगैरह पहले से पता हो ताकि आप जो है सीधे प्रश्नों के पढ़ने के लिए प्रारंभ कर दे। और इंस्ट्रक्शन तो आप नहीं कह सकते हैं, यह जो अभ्यास है इसी के दौरान आप जान चुके होंगे और पढ़ चुके होंगे। आइए आप तीसरा नंबर पढ़ते हैं। इस परीक्षण पुस्तिका पर साथ में दिए गए पोस्टक मतलब ये जो ब्लैंक है में आपको अपना अनुक्रमांक मतलब रोल नंबर लिखना है। अनुक्रमांक मतलब रोल नंबर होता है। ठीक है जी, मैंने बता दिया इसमें रोल नंबर लिखना है। परीक्षण पुस्तिका पर और कुछ ना लिखे और इसमें कुछ अधिक ना लिखना। ठीक है जी, 4 नंबर में पढ़ते हैं। इस परीक्षण पुस्तिका में 100 प्रश्नांश मतलब 100 प्रश्न दिए गए हैं। प्रत्येक प्रश्नांश हिंदी और अंग्रेजी दोनों में छपे हैं। प्रत्येक प्रश्नांश के 4 प्रत्युत्तर दिए गए मतलब 4 ऑप्शंस दिए गए हैं। इसमें से 1 प्रत्युत्तर को चुन लें जिसमें कि 1 ऑप्शन को चुनना होता है। इसमें निगेटिव मार्किंग भी होती है, मैं आगे इसमें भी बताया गया है, मैं बताऊंगा। जिसे आप उत्तर पत्रक पर अंकित करना चाहते हैं, यदि आपको ऐसा लगे कि 1 से अधिक प्रत्युत्तर सही है तो उस प्रत्युत्तर को अंकित करें जो आपको सर्वोत्तम लगे। मतलब आपको लग रहा है कि 1 से अधिक सही है, मतलब 4 ऑप्शन है उसमें 2 लग रहा है कि दोनों को दोनों सही है, लेकिन उसमें सर्वश्रेष्ठ सही कौन है, सर्वोत्तम कौन है, जो सर्वोत्तम सही होगा उसका उसे आपका चयन करना है वो सही उत्तर। प्रत्येक प्रश्नांश के लिए केवल 1 ही उत्तर प्रत्युत्तर चुनना है, मतलब सारे क्वेश्चन के लिए 1 ही आंसर आपको सिलेक्ट करना है। ठीक है जी, अब आ जाइए 5वां। आपको अपने सभी प्रत्युत्तर अलग से दिए गए उत्तर पत्रक पर ही अंकित करने हैं। उत्तर पत्रक में दिए गए निर्देश देखें।
छठा में सभी प्रश्नांशों के अंक समान है। सातवां में है, इससे पहले कि आप परीक्षक पुस्तिका के विभिन्न प्रश्नांशों के प्रतिउत्तर उत्तर पत्र पर अंकित करना शुरू करें, आपको प्रवेश प्रमाण पत्र के साथ प्रशिक्षित अनुदेशों के अनुसार कुछ विवरण उत्तर पत्रक में देने हैं। आठवां, आप अपने सभी प्रतिउत्तरों का उत्तर पत्रक में भरने के बाद तथा परीक्षा के समापन पर केवल उत्तर पत्रक अति शिक्षक को सौंप दें। आपको अपने साथ परीक्षण पुस्तिका ले जाने की अनुमति, मतलब आप ये जो क्वेश्चन पेपर है वो घर ला सकते। नौवां, देखिए, कच्चे काम के लिए पत्रक परीक्षण पुस्तिका के अंत में संलग्न है, मतलब अंत में रफ वर्क के लिए पेज खाली छोड़े गए। दसवां में है, गलत उत्तरों के लिए दंड, मैंने पहले ही बताया इसमें नेगेटिव मार्किंग होता है। वस्तुनिष्ठ प्रश्न पत्रों में उम्मीदवार द्वारा दिए गए गलत उत्तरों के लिए दंड दिए जाएगा। प्रत्येक प्रश्नों के लिए चार वैकल्पिक उत्तर, मतलब चार ऑप्शन दिए जाएंगे और उम्मीदवार द्वारा प्रत्येक प्रश्नों के लिए दिए गए एक गलत उत्तर के लिए प्रश्न हेतु नियत किए गए अंकों का एक तिहाई दंड के रूप में काट लिया जाएगा। अगर आपका कोई भी प्रश्न का उत्तर गलत होता है तो 1/3 ऑफ द मार्क्स विल बी डिडक्टेड, सो दैट यू शुड बी केयरफुल व्हाइल सॉल्विंग द क्वेश्चन पेपर, इजंट इट। आगे है, यदि कोई उम्मीदवार एक से अधिक उत्तर देता है, अगर कोई ऐसा विद्यार्थी है जो एक से अधिक उत्तर देता है तो उस उत्तर को भी गलत मान लिया जाएगा, इसलिए हमें चार प्रश्नों में एक ही उत्तर को चुनना है। यद्यपि दिए गए उत्तरों में से एक उत्तर सही भी होता है, फिर भी प्रश्नों के उपयुक्तानुसार ही उसी तरह का दंड दिया जाएगा। और यदि उम्मीदवार द्वारा कोई प्रश्न हल नहीं किया जाता, अगर मान लीजिए कोई प्रश्न आपको नहीं आ रहा है, जैसे कोई क्वेश्चन है वो आपको नहीं आ रहा है, तो उसे छोड़ देंगे, तो उसके लिए आपको कोई नंबर नहीं कटेगा। ठीक है जी, इंग्लिश में भी इंस्ट्रक्शन दिया गया है, मैं आपको पढ़ के बताऊंगा। अब आ जाइए, हम लोग पहला क्वेश्चन से प्रारंभ करते हैं। मुगल भारत के संदर्भ में जागीरदार और जमींदार के बीच क्या अंतर है? ठीक है जी, पहला स्टेटमेंट है, दो स्टेटमेंट दिया गया, दो स्टेटमेंट के बाद जो कह सकते हैं कि चार ऑप्शन में हमें चुनना है। पहला है, जागीरदारों के पास न्यायिक और पुलिस दायित्वों के एवज में भूमि आवंटनों का अधिकार होता था, जबकि जमींदारों के पास राजस्व अधिकार होते थे तथा उस पर राजस्व उगाही को छोड़कर अन्य कोई दायित्व पूरा करने की बाध्यता नहीं होती। ठीक है जी, जागीरदारों के लिए भूमि आवंटन वंशानुगत होते थे और जमींदारों के राजस्व अधिकार वंशानुगत नहीं होते थे। अब है कि इन दो स्टेटमेंट में हमें नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। इन दोनों स्टेटमेंट में से मुझे किसी एक प्रश्नों का उत्तर, कह सकते हैं इस प्रश्नों में हमें कोई एक सही होगा। तो पहला, जैसे ए में है केवल एक, ओनली वन, बी में है केवल टू, सी में है वन एंड टू, दोनों मतलब वन एंड टू बोथ, एंड डी में है ना तो एक ना तो दो, तो इसमें इसके उत्तर जो होंगे डी, इसके उत्तर डी होंगे, कोई भी इसमें से सही नहीं है। मुगल भारत के संदर्भ में जागीरदार और जमींदार के बीच में जो डिफरेंसेस है इसमें से कोई भी सही नहीं है। ठीक है जी, अब आ जाइए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। स्वतंत्र भारत में भूमि सुधारों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? इन चार ऑप्शन में मुझे एक कथन सही चुनना है। पहला है, ए में हदबंदी कानून पारिवारिक जोत पर केंद्रित थे ना कि व्यक्तिगत जोत पर, सॉरी, बी में है सुधारों का प्रमुख उद्देश्य सभी भूमिहीनों को कृषि भूमि प्रदान करना था, सी में है इसके परिणाम स्वरूप नकदी फसलों की खेती कृषि का प्रमुख रूप बन गई, डी में है भूमि सुधारों ने हदबंदी सीमाओं को किसी भी प्रकार की छूट की अनुमति नहीं दी। तो इसका जो आंसर होगा यह बी होगा, कि स्वतंत्र भारत में भूमि सुधारों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो सही यह है कि भूमि सुधारों का प्रमुख उद्देश्य सभी भूमिहीनों को कृषि भूमि प्रदान करना था। ठीक है जी, ये दूसरा क्वेश्चन हो गया। अब आइए हम लोग तीसरा क्वेश्चन देखें। तीसरा क्वेश्चन में है, वैश्विक प्रतियोगित्व रिपोर्ट ग्लोबल कॉम्पिटेटिवनेस रिपोर्ट कौन प्रकाशित करता है? अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, संयुक्त राष्ट्र व्यापार एवं विकास सम्मेलन यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट, सी में है विश्व आर्थिक मंच और डी में है विश्व बैंक, मतलब वर्ल्ड बैंक, यहाँ वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, संयुक्त राष्ट्र विकास एवं व्यापार एवं विकास सम्मेलन और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष। तो इन चारों ऑप्शन में जो है ग्लोबल कॉम्पिटेटिवनेस रिपोर्ट कौन प्रकाशित करता है इसके बारे में आपको पता है? अगर पता नहीं होगा तो करंट अफेयर में सर्च करेंगे, नहीं अगर पता है तो मैं बता देता हूं, इसका आंसर होगा विश्व आर्थिक मंच, सी, मतलब विश्व आर्थिक मंच, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम जो है
वह जो है ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस रिपोर्ट जो है वो प्रकाशित करती है। ठीक है जी, क्लियर हो गया। अब आ जाइए चौथा प्रश्न देखते हैं। चार्टर्ड एक्ट 1830 मतलब चार्टर्ड एक्ट 1813 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, देखिए इसमें तीन स्टेटमेंट दिया है, फिर आगे चार ऑप्शन हम इसमें देखेंगे, तो विचार करने के लिए कहा है। पहला स्टेटमेंट है, इसमें भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापार एकाधिपत्य को, चाय का व्यापार तथा चीन के साथ व्यापार को छोड़कर समाप्त कर दिया। दूसरा स्टेटमेंट है, इसमें कंपनी द्वारा अधिकार में लिए गए भारतीय राज्य क्षेत्रों पर ब्रिटिश राज्य क्राउन की संप्रभुता को सुदृढ़ कर दिया। तीसरा है, भारत का राजस्व अब ब्रिटिश संसद के नियंत्रण में आ गया। तो इन तीनों स्टेटमेंट में से कौन सही होगा, उपयुक्त में से कौन कथन सही है, देखिए इन जो कीवर्ड है इस पे विशेष ध्यान देना है, सही है। ठीक है जी, अब है केवल एक और दो, बी में है केवल दो और तीन, सी में है केवल एक और तीन, और डी में है एक दो तीन, तो इसमें कौन सही होगा आप एक बार फिर से पढ़ें और कह सकते हैं कि एक बार इसको इस प्रश्नों का उत्तर देने की चेष्टा करें। चलिए ज्यादा समय ना लेते हुए मैं बता देता हूं, इसका आंसर होगा ए, केवल एक और दो। कैसे का मतलब है कि जो चार्टर्ड एक्ट 1813 था उस वो किससे रिलेटेड था, तो इसमें है कि भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापार एकाधिपत्य को, चाय का व्यापार तथा चीन के साथ व्यापार को छोड़कर समाप्त कर दिया गया। ठीक है जी, और पहला स्टेटमेंट हो गया। दूसरा स्टेटमेंट भी, इससे कंपनी द्वारा इसने कंपनी द्वारा अधिकार में लिए गए भारतीय राज्य क्षेत्रों पर ब्रिटिश क्राउन की संप्रभुता को सुदृढ़ कर दिया। ठीक है जी, तो इसका जो आंसर होगा ए, और मतलब केवल एक और दो, मतलब वन एंड टू, तो इसका जो राइट आंसर होगा ये ए। ठीक है जी, क्लियर हो गया। अब आ जाइए वही इंग्लिश में पढ़ते हैं, इंग्लिश में वही प्रश्नों का हम लोग फिर से पढ़ेंगे और जानने का प्रयास करेंगे। With reference to Mughal India, what is are the differences? Difference or differences between Jagirdar and Zamindar? ये तो मैंने पहले ही बता दिया था, इसको आप फिर से देख लें। Jagirdar were holders of land assignments in lieu of judicial and police duties, whereas Zamindar were holders of revenue rights without obligation to perform any duty other than the revenue collection. Second point में है, land assignments to Jagirdars were hereditary. Deity and revenue rights of Jamindars were not hereditary. तो इसमें अब है कि select the correct answer using the code given. A one only, B two only, C both and one and two, and D neither one and nor two. पहला का आंसर होगा neither one nor two, isn't it? Clear हो गया जी, पहला का आंसर। अब आ जाइए दूसरा। With reference to land reforms in independent India, which one of the following statement is correct? In charo statement mein se kaun sahi hai? First, when the ceiling law were aimed at the family holding and not indivisible holding. B, the major aim of land reforms was providing agricultural land to all the landless. C, it resulted in cultivations of the cash crop as a predominant form of cultivation. D, land reforms permitted no exemptions to the ceiling limit. Isme kaun sahi hoga ji? जल्दी बताएं, मैं बता देता हूं। बी, द मेजर एम ऑफ लैंड रिफॉर्म्स वाज टू प्रोवाइड एग्रीकल्चरल लैंड टू ऑल द लैंडलेस। ठीक है जी, क्लियर हो गया। अब आइए हम लोग तीसरा क्वेश्चन देखें। द ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस रिपोर्ट इज पब्लिश्ड बाय, ए में है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, बी में यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑफ ट्रेड एंड डेवलपमेंट, सी में है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, एंड डी में है वर्ल्ड बैंक। तो आंसर होगा सी, जेंट, क्लियर हो गया जी। तीसरा का सी, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम जो है वो ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस रिपोर्ट जो है वो पब्लिश करती है। ठीक है जी, अब फोर नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द चार्टर्ड एक्ट ऑफ 1813। इट एंडेड द ट्रेड, वन नंबर, इट एंडेड द ट्रेड मोनोपोली ऑफ द ईस्ट इंडिया कंपनी इन इंडिया एक्सेप्ट फॉर ट्रेड इन टी एंड ट्रेड विद चाइना। सेकंड में, इट एसर्टेड द सोवरेनिटी ऑफ द ब्रिटिश क्राउन ओवर द इंडियन टेरिटरीज हेल्ड बाय द कंपनी। थर्ड में, द रेवेन्यूज ऑफ इंडिया वर नाउ कंट्रोल्ड बाय द ब्रिटिश पार्लियामेंट। तो इसमें कौन सा स्टेटमेंट क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट गिवन आर करेक्ट, कौन सा स्टेटमेंट सही है जी? तो इसका स्टेटमेंट जो सही है चौथा का, वो है ए, वन एंड टू, मीन्स ये स्टेटमेंट और ये स्टेटमेंट दोनों सही है। इट एंडेड द ट्रेड मोनोपोली, जो ट्रेड मोनोपोली है एकाधिपत्य था वो खत्म कर दिया ईस्ट इंडिया कंपनी का इन इंडिया एक्सेप्ट ट्रेड इन टी, चाय को छोड़कर ट्रेड विद चाइना, और जो है इसी के साथ जो है ब्रिटिश क्राउन का जो भारत पर अधिपत्य को बढ़ावा दिया, मतलब हेल्ड किया।
अब आगे देखेंगे। पांचवा क्वेश्चन पहले हिंदी में देखें। स्वदेशी आंदोलन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। स्वदेशी आंदोलन, पहला यहाँ पॉइंट दिया गया है, इसमें देशी शिल्पकारों के कौशल तथा उद्योगों को पुनर्जीवित करने में योगदान किया। दूसरा है, स्वदेशी आंदोलन के एक अवयव के रूप में राष्ट्रीय शिक्षा परिषद की स्थापना हुई थी। तो जो स्वदेशी आंदोलन है उसके संदर्भ में दो कथन दिया गया है। अब है उन दो कथनों से चार ऑप्शन दिए गए हैं, उपयुक्त में से कौन से या कौन सा से कथन सही है तो है इसमें कौन सा कथन सही होगा, आप एक बार जल्दी से जल्दी कह सकते हैं, 5 सेकंड के अंदर इसका सही उत्तर दे, नहीं तो मैं दे रहा हूं। इसका उत्तर है सी, 1 और 2 बोथ, दोनों इसमें सही होंगे। स्वदेशी आंदोलन जब प्रारंभ हुआ था तो उसमें देशी शिल्पकारों के कौशल तथा उद्योगों को पुनर्जीवित, उसे रिजुविनेट किया था, उसे बढ़ावा दिया था, और स्वदेशी आंदोलन में जो है अवयव के रूप में एक राष्ट्रीय शिक्षा परिषद की भी स्थापना हुई थी। ठीक है जी, अब आ जाइए छठा क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए, मतलब जो मैच द फॉलोइंग इसे कह सकते हैं हम लोग। तो ए में है अखिल भारतीय अस्पृश्यता विरोधी लीग, महात्मा गांधी नायक लीडर, मतलब ये आंदोलन है और ये नायक लीडर, उसके लीडर कौन। दूसरा है अखिल भारतीय किसान, स्वामी सहजानंद सरस्वती। और तीसरा है आत्मसम्मान आंदोलन, ये भी स्वामी नायर, मतलब सेल्फ कह सकते हैं मूवमेंट, आत्मसम्मान सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट, ये भी स्वामी नायर। तो इनके तीन तो स्टेटमेंट दिए गए हैं और इनके लीडर के नाम दिए गए, मतलब तीन आंदोलन है और संगठन कह सकते हैं, ऑर्गेनाइजेशन या मूवमेंट कह सकते हैं, और उनके लीडर के नाम दिए गए हैं। अब इन तीनों में से यहाँ फिर बोल रहा है उपयुक्त में से कौन से युग्म सही सम्मिलित, मतलब इसमें कौन कौन से सही है, कौन कौन से सही मतलब इसमें बताए गए हैं। ठीक है जी, जैसे ये हो गया, ये सही है कि नहीं, तो इसमें हमको चुनना है, चार ऑप्शन दिए गए हैं, चारों में से एक चुनना है। पहला है केवल 1, दूसरा है केवल 1 और 2, तीसरा है केवल दूसरा, और तीसरा केवल डी में है 1, 2 और 3, तीनों मतलब सही है। तो इसमें कौन सही होगा जल्द से जल्द बताएं, छठा नंबर में, तो डी, इसमें तीनों सही है, मतलब अखिल भारतीय अस्पृश्यता विरोधी लीग जो है महात्मा गांधी के द्वारा चलाया गया था, अखिल भारतीय किसान जो है स्वामी सहजानंद सरस्वती के द्वारा चलाया गया था, आत्मसम्मान आंदोलन सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट जो है ये भी स्वामी नायर के द्वारा कह सकते हैं कि चलाया गया था। तो इसमें जो है डी का जो है आंसर होगा। ठीक है जी, क्लियर हो गया। अब आ जाइए सातवां, देखिए सातवां प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा एक हड़प्पा स्थल नहीं है। देखिए इस पे हमें विशेष ध्यान देना है, जो कीवर्ड है नॉट, मतलब इन चारों में से कौन सा एक हड़प्पा का जो है स्थल नहीं है। ए में है चुनहुदड़ो, बी में है पोर्ट डीजी, सी में है सहगौरव एंड डी में है देसलपुर। इसमें से कौन जो है हड़प्पा सिविलाइजेशन, जो इंडस वैली सिविलाइजेशन है, जो कहते हैं भारत की जो कह सकते हैं कि प्राचीन सभ्यता, और कह सकते हैं कि जो एक तरह से कह सकते हैं विलुप्त सभ्यता, लेकिन फिर भी कह सकते हैं हड़प्पा की जो सभ्यता जो है तो बहुत महत्वपूर्ण है भारत की संस्कृति को देखते हुए, और भारत कह सकते हैं कि एक राष्ट्र के रूप में, एक सांस्कृतिक और कह सकते हैं ऐतिहासिक राष्ट्र के रूप में, एक सभ्यता वाली सिविलाइजेशनल स्टेट के रूप में। तो इसमें से चार जगह के नाम दिए गए हैं, इन चारों में से कौन सा है, इसमें देखिए कीवर्ड पे फोकस कीजिए, क्योंकि हड़प्पा का, हड़प्पा सिविलाइजेशन से संबंधित नहीं है या हड़प्पा का जगह नहीं है। तो ये सी, सहगौरा जो है ये इंडस वैली सिविलाइजेशन से बिलोंग नहीं करता है, चौदौड़ो बिलोंग करता है, कोट डीजी भी बिलोंग करता है, देसलपुर भी बिलोंग करता है, लेकिन ये सहगौरा जो है इंडस वैली सिविलाइजेशन का स्थान नहीं है। क्लियर हो गया जी। अब आ जाइए आठवां प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से किस आभारदार मूर्ति शिल्प रिलीफ स्कल्पचर शिलालेख में अशोक के प्रस्तरित रूप चित्र के साथ रानियों अशोक, राजा अशोक उल्लिखित है। ए में है कंगलहली, बी में है सांची, सी में है सहवाजगढ़ी और डी में है सहगौरा। इसमें से अशोक, अशोक जो है एक मगध का राजा जो अभी वर्तमान में बिहार में, ये बहुत ही कह सकते हैं कि प्रतापी राजा हुए थे, इनका साम्राज्य जो कह सकते हैं कलिंग से लेकर उधर कई प्रदेश, कौशल प्रदेश इधर एकदम कह सकते हैं सुदूर, कह सकते हैं एकदम अफगानिस्तान हिंद कुश पर्वत तक फैला, और नीचे जो कह सकते हैं इधर एकदम साउथ तक फैला हुआ था। तो इनका साम्राज्य जो है बहुत बड़ा साम्राज्य था, तो उसी में कह सकते हैं इनके स्तंभ शिलालेख कह सकते हैं इन्होंने बहुत छपा रखे थे, उसी में बताया गया है कि इसमें से कौन से ऐसे जगह का जो है ऐसे मूर्ति शिल्प जो है
रिलीफ स्कल्पचर है जिसके जिस शिलालेख में राजा अशोक लिखे थे, तो ये होगा ए कंगन हल। ठीक है जी, अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 9। निम्नलिखित पर विचार कीजिए, बुद्ध के देव अवतारोपण, दूसरा है बुद्धिसत्व के पथ पर चलना, तीसरा है मुक्ति उपासना तथा अनुष्ठान, उपयुक्त में से कौन सी विशेषताएं महायान बौद्ध मत से की है। देखिए बौद्ध दो क्षेत्र में डिवाइड है कि हीनायना एक महायाना, तो इसी में बोल रहा है कि महायान से कौन से कह सकते हैं कि इनकी जो कह सकते हैं कि क्वालिटीज और ट्रेड जो है वो मिलते हैं। तो इन तीनों स्टेटमेंट में से अब हमें चार ऑप्शन दिए गए हैं, उसमें हमें एक को चुनना है। तो ए में है केवल एक, बी में है केवल एक और दो, सी में है केवल दो और तीन, डी में है केवल एक दो तीन। तो इसका आंसर होगा डी, एक दो और तीन तीनों। कहने का मतलब है कि जो महायाना सेक्ट है और एक हीनायना सेक्ट है, महायाना सेक्ट की तीनों पर कह सकते हैं इसमें जो है क्वालिटी और कह सकते हैं उनके गुण जो मिलते हैं बुद्ध के देवात्मरोपण, मतलब वो बुद्ध को देवता के रूप में मानते हैं, बोधिसत्व के पथ पर चलना, बोधिसत्व के पथ पर चलना करते हैं और मूर्ति उपासना भी करते हैं, मतलब मूर्ति की पूजा अनुष्ठान भी करते हैं, बुद्ध भगवान की मूर्ति बनाकर वो पूजते हैं। ठीक है जी, नौवां प्रश्न हो गया। अब दसवां प्रश्न देखते हैं, गुप्त काल के दौरान भारत में बलात्श्रम दृष्टि के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। इसे राज्य के लिए आय का एक स्रोत, जनता द्वारा दिया जाने वाला एक प्रकार का कर माना जाता था। मतलब गुप्त काल के दौरान जो है भारत में बलात्श्रम दृष्टि के संदर्भ में यह पूछ रहा है। तो ए हो गया, बी में देखते हैं, यह गुप्त साम्राज्य के मध्य प्रदेश था, कठियावाड़ क्षेत्रों में पूर्णतः अविद्यमान था। सी में है बलात्श्रमित श्रमिक साप्ताहिक मजदूरी का हकदार होता था। और डी में है मजदूर के ज्येष्ठ पुत्र को बलात्श्रमिक के रूप में भेज दिया जाता था। तो इसके कौन से उत्तर होंगे, उत्तर सही होंगे ए, इसे राज्य के लिए आय का एक स्रोत, जनता द्वारा दिया जाने वाला एक प्रकार का कर माना जाता था, बलात्श्रम दृष्टि के संदर्भ। ठीक है जी, मैंने क्लियर कर दिया। अब आइए इंग्लिश वाला भी देख लेते हैं, विथ रेफरेंस टू स्वदेशी मूवमेंट। ठीक है जी, विथ रेफरेंस टू स्वदेशी मूवमेंट कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। वन, इट कंट्रीब्यूटेड द रिवाइवल ऑफ द इंडिजिनियस आर्टिसन क्राफ्ट्स एंड इंडस्ट्रीज। दूसरा है, द नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन वॉज एस्टैब्लिश्ड एज ए पार्ट ऑफ द स्वदेशी मूवमेंट। तो ये मैंने पहले ही बता दिया, हिंदी में ही बता दिया, समझा दिया था कि जो है कि पुनर्जीवित किया गया जितने भी इंडिजिनियस जो भारतीय आर्टिसियंस थे, मजदूर या कलाकार या फिर जितने भी आर्ट्स एंड क्राफ्ट था, इंडस्ट्री था, छोटे छोटे उद्योग थे, जो हथकरघा वगैरह था, उसे रिवाइव किया गया स्वदेशी मूवमेंट। स्वदेशी मतलब स्वदेशी, जो स्वदेश का, जो अपना देश का, उसे बढ़ावा दिया, उसे रिवाइव किया। ठीक है जी, नेशनल काउंसिल फॉर ऑफ एजुकेशन भी स्टैब्लिश किया गया था स्वदेशी के। इसका आंसर जो होगा, कह सकते हैं क्या होगा आंसर, मैंने पहले ही बता दिया था, पांचवा का सी, बोथ वन एंड टू, मतलब इसका आंसर दोनों सही है। अब आ जाइए छठा, छठा में देखिए, कंसीडर द फॉलोइंग पेयर्स। अब ये मूवमेंट और ऑर्गेनाइजेशन, तीन मूवमेंट और ऑर्गेनाइजेशन यहाँ दिया गया है, और उसके लीडर्स मतलब कौन कौन से नायक और लीडर थे। पहले ऑल इंडिया अनटचेबिलिटी लीग, फिर महात्मा गांधी, ऑल इंडिया किसान सभा, स्वामी सहजानंद सरस्वती एंड सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट, ई भी स्वामी नैयर। इसके बारे में, इसका जो है, इसमें चार ऑप्शन दिए गए हैं, ए में है ओनली वन ओनली, बी में है वन एंड टू ओनली, सी में है टू एंड थ्री ओनली, डी में है वन टू एंड थ्री ओनली। इसमें से इन चारों प्रश्नों में से कौन सही होगा, तो इसमें डी, मतलब कह सकते हैं ये तीनों के तीनों सही है। जो अनटचेबिलिटी का जो विरोध है वो जानते हैं, महात्मा गांधी के द्वारा ये स्टार्ट किया था, ऑल इंडिया किसान सभा जो है स्वामी सहजानंद के द्वारा स्टार्ट किया था, और सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट जो है ई भी स्वामी नैयर के द्वारा प्रारंभ किया गया था। ठीक है जी, तो ये तीनों के तीनों सही होंगे, तो आंसर इसका डी होगा। अब आ जाते हैं सातवां, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ हड़प्पन साइट। इसमें से कौन से जो है हड़प्पन साइट के कह सकते हैं जगह का नाम नहीं है। देखिए नॉट पे विशेष, ये जो कीवर्ड इस पे हमें विशेष फोकस करना है। पहला है चानू दो हुदारो, दूसरा है को डीजी, तीसरा है सो गाव गौरा एंड डी में है दिसालपुर। इसमें से कौन सा जो है चारों में से ऐसा जगह है, नहीं चारों में से कौन एक ऐसा है जो कि हड़प्पन सिविलाइजेशन, इंडस वैली सिविलाइजेशन से बिलोंग नहीं करता या फिर उसका साइट नहीं है। तो सातवां का मैंने पहले भी बता दिया था, सो ये वाला आंसर हुआ सो गौरा। अब आ जाइए आठवां, इन बीच ऑफ द फॉलोइंग रिलीफ स्कल्पचर इंस्क्रिप्शन ऑफ रान्यो अशोका, किंग अशोका, अशोका के बारे में है, मेंशन अलोंग विद द स्टोन पैचो, तो पत्थर पे उकेरा गया है अशोका से संबंधित किंग अशोका। तो पहला है कंगना हालली, बी में है सांची, सी में है साह,
वाजगार्गी एंड डी में है सहगौरा। तो इन चारों स्थानों में से कौन जो है अशोका से संबंधित, जिसमें कि पत्थरों पे अंकित किया गया है रानियों अशोका किंग अशोका। तो आठवां का जो हमारा आंसर होगा ए कंगानहाली, ठीक है जी। इस स्थान पे जो है रानियों अशोका एक पत्थर पे उकेरा गया। अब आ जाइए नौवां प्रश्न देखते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग डिफिकेशंस ऑफ द बुद्धा ट्रीडिंग द पाथ ऑफ बोधिशिप बोधिशत्वास एंड इंडिया वर्शिप इमेज वर्शिप एंड रिचुअल्स। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज आर द फीचर्स ऑफ महायना बुद्धिज्म। महायना देखिए बुद्धिज्म जो है कह सकते हैं कि बुद्धिज्म आगे चलकर जो है वो दो सेक्ट में बट गया, एक महायना हो गया और एक हिनायना हो गया। तो महायना के बारे में बता रहे हैं कि महायना जो है किस जो इन तीनों जो क्वालिटीज है, इन तीनों जो ट्रेट है गुण है वो किस सेक्टर से या फिर महायना से मिलता है या नहीं इन तीनों में से। तो इन तीनों के तीनों मिलते हैं, ठीक है जी। नौवां का जो है वो डी आंसर होगा, मतलब वो जो है बुद्ध भगवान को एक देवता के रूप में भी मानते हैं, बुद्धिज्म के पथ पर भी चलते हैं और मूर्ति पूजा भी है, मतलब बुद्ध भगवान की मूर्ति बनाकर पूजते हैं। और जो हिनायना है वो बुद्ध की मूर्ति बनाकर नहीं, वो बुद्ध के पथ पर चलते हैं लेकिन वो यूं ही बुद्ध को अलौकिक मानते हैं, ठीक है जी। अब है हम लोग दसवां प्रश्न देखेंगे। विथ रिफरेंस टू फोर्स लेवर विशिष्टी इन इंडिया ड्यूरिंग द गुप्ता पीरियड, ये गुप्ता पीरियड से संबंधित है। फोर्स लेवर मतलब विशिष्टी मतलब के बारे में यहाँ कि उनके गुप्ता पीरियड से संबंधित है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट, कौन सा स्टेटमेंट जो है सही है। तो पहला है इट वाज कंसीडर्ड ए सोर्स ऑफ इनकम, ये सोर्स ऑफ इनकम कंसीडर किया जाता है सॉर्ट ऑफ टैक्स पेड बाय द पीपल। बी में है इट वाज टोटली एब्सेंट इन द मध्य प्रदेश एंड कठियावार रीजन ऑफ द गुप्ता एम्पायर। सी में है द फोर्स लेबर आर एंटाइटल्ड टू वीकली वेजेस, भाई जब फोर्स लेबर है तो उसे वीकली वेजेस क्यों मिलेगा। इंडस्ट्रीशन ऑफ द लेबरर वाज सेंट टू द फोर्स लेबर, ये भी सही नहीं है, ये भी सही नहीं है, तीसरा भी सही नहीं है। और तो ये पहला सही है, ठीक है जी। दसवां का इट वाज कंसीडर्ड एज ए सोर्स ऑफ इनकम फॉर द स्टेट ए सॉर्ट ऑफ टैक्स पेड बाय द पीपल, ठीक है जी। ये क्लियर हो गया। तो ये 10 प्रश्न थे जो मैंने 10 क्वेश्चन आज मैंने सॉल्व किया। हम लोग डेली के 10 क्वेश्चन देखेंगे। अभी हम लोग देख रहे हैं 2000 जो है वो 19 का क्वेश्चन हम लोग देख रहे हैं। तो 10 क्वेश्चन हम लोग डेली देखेंगे। इससे क्या है, इससे क्या है कि हमारा जो है वो प्रीवियस ईयर का जो है क्वेश्चन पेपर टोटल का टोटल रिवीजन हो जाएगा। तो हम लोग इस वीडियो में हम लोग ये जान भी पाएंगे क्वेश्चन देख के पढ़ के उसे सॉल्व करके किस प्रकार का क्वेश्चन पूछा जाता है यूपीएससी सिविल सर्विसेज प्रीलिम्स एग्जामिनेशन। और यह नेसेसरी है कम से कम 20 ईयर का क्वेश्चन बनाए, और कम से कम 20 नहीं हो तो 15 नहीं हो, 10 नहीं तो 5 ईयर का तो जरूर बनाए। तो मैं 2018, 2017, 16, 2015 और 14 ये 5-6 साल का क्या चलते हैं हम लोग सॉल्व करते जाएंगे। 10-10 क्वेश्चन हम लोग डेली सॉल्व करेंगे, ज्यादा भार भी नहीं लगेगा, उभाव भी नहीं लेगा और हम प्रश्न के इजी वे में सॉल्व करते भी जाएंगे, उसे समझते भी जाएंगे। तो आशा करता हूँ ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो इसे लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूले। थैंक यू, हैव अ ग्रेट डे।